करतारपुर कॉरिडोर को लेकर बैठक होगी। भारत पाकिस्तान के वैचारिक मतभेदों को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। वीजा फ्री बनाने वाले रास्ते पर भी अहम फैसले हो सकते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच वीजा फ्री रास्ता बनेगा। अटारी सीमा पर यह बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, अटारी सीमा पर यह बैठक होगी। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर यह बैठक की जाएगी, जिसमें वीजा फ्री बनाने के लिए पहल की जाएगी। जो वैचारिक मतभेद जो कि करतारपुर कॉरिडोर को लेकर आड़े आ सकते हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, वीजा फ्री बनाने के रास्ते पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वीजा फ्री बनाने वाले अहम रास्ते पर फैसला लिया जा सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच वीजा फ्री रास्ता बनेगा, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर को लेकर जो बीच में वैचारिक मतभेद है, उन्हें भी दूर करने की कोशिश जरूर की जाएगी। तो करतारपुर कॉरिडोर को लेकर बैठकें की जानी है। अटारी बॉर्डर पर ही बैठक होगी। भारत और पाकिस्तान के वैचारिक मतभेदों की अगर बात करें, वो वैचारिक मतभेद जो कि आड़े आ सकते हैं, उनको लेकर चर्चा की जाएगी और बातचीत से उन्हें सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ विजय कुमार संवाददाता जुड़ चुके हैं। विजय कुमार, तो क्या कुछ आज रहने वाला है इस बैठक में? कौन कौन से वो वैचारिक मतभेद जिन पर चर्चा संभव है? देखिए, पहले तो बता दूं कि जो पिछले दिनों जो मतभेद चल रहा है भारत पाक के बीच, उसके चलते तय किया गया था कि जो करतारपुर कॉरिडोर है उस पर कोई इसका असर नहीं पड़ेगा, जो भारत पाक तनाव चल रहा था। और आज जो औपचारिक जो मीटिंग रखी गई है अटारी वाघा सरहद पर, इसपे जी इसमें भारत पाक के उच्च अधिकारी जो हैं वो वहां पहुंच रहे हैं, और भारत की तरफ से जो शर्त रखी गई थी कि 10,000 श्रद्धालु जो हैं रोजाना दर्शन कर पाएंगे, बिना वीजा के फ्री दर्शन कर पाएंगे, एक तो वो शर्त है और एक जल्द से जल्द उसको खुलवाया जाए करतारपुर कॉरिडोर को, उस पर चर्चा की जाएगी। जी, अक्सर ऐसा भी हुआ है विजय कुमार कि पाकिस्तान ने जो वादे किए हैं, उन वादों से पीछे हटता हुआ नजर आया है, और ऐसे प्रकरण अभी पहले भी सामने आए हैं जहां पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी नापाक हरकतों के बारे में पूरी दुनिया के सामने उजागर अपने आप को किया था। क्या लगता है कि पाकिस्तान आसानी से इन सब चीजों पर मान जाएगा, अनुच्छेद 370 के हटने के बाद खासकर? जी बिल्कुल, अगर पाकिस्तान ने पीछे हटना होता तो कब का पीछे हट गया होता, लेकिन साफ तौर पर यह कहा गया था कि जो भी मतभेद भारत पाक के बीच में होंगे, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर को लेकर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी विजय कुमार, इसका एक कारण ये भी हो सकता है, हालांकि ये मामला भावनाओं से जुड़ा हुआ है, सिख समुदाय से जुड़ा हुआ है, जिसकी हम कदर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने पिछले दिनों कुछ अपने ऐसे बयान दिए जिन पर उसके बाद उस बयानों पर जो उन्होंने वापस प्रतिक्रिया दी, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जानता है कि भारत की शक्ति क्या है और भारत किस हद तक भी जा सकता है, क्योंकि परमाणु शक्तियों की बात करते थे इमरान खान, और उसके बाद फिर बाद में वो कहते हैं कि पाकिस्तान कभी पहले खुद कदम नहीं उठाएगा, तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि भारत की सैन्य शक्ति से पाकिस्तान अच्छी तरह वाकिफ है। जी बिल्कुल, पिछले दिनों जैसे यूएन में इसने पाकिस्तान ने मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन हर तरफ से अलग थलग पड़ा नजर आया पाकिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान को ये पूरी तरह से पता चल चुका है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा जो पहले था, इसलिए पाकिस्तान के पास अब कोई चारा नहीं है कि भारत की वो शर्तें ना माने, इसलिए भारत की शर्तें पाकिस्तान को माननी होंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया विजय कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि वैचारिक मतभेद को लेकर उसका कोई असर करतारपुर कॉरिडोर पर ना पड़े, क्योंकि ये भावनाएं, क्योंकि ये जो करतारपुर कॉरिडोर साहिब की अगर बात की जाए तो भावनाओं से जुड़ा हुआ है, धर्म की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, और जाहिर तौर पर कोई भी देश इन भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहेगा, और इसीलिए आज बैठक रखी गई है।